हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर न केवल आपके 8th स्टैंडर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ट्रस्ट मी, ये आपके 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपके 12th स्टैंडर्ड में भी पॉलीमराइजेशन करके एक चैप्टर आएगा, जिसमें ये पीवीसी, टेफ्लन, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। अगर आप इसे 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो 12th में आपको इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो लोग सीटेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन नेट स्लेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, देखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आपको इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स बता दूं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स से हमारा सामना होने वाला है और उन टर्म्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनका मतलब कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोमर से। स्टूडेंट्स, मोनोमर क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। मोनो का मतलब होता है वन, यानी एक। मर का मतलब होता है यूनिट, तो मोनोमर का मतलब होता है एक यूनिट। अगर आप देखिए, एक लंबी सी रस्सी देख लीजिए या एक लंबी सी पाइप देख लीजिए, अगर हम उस पाइप को कटिंग करना स्टार्ट करें तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो मोनोमर जो होता है, एक्चुअली ये भी एक यूनिट होता है। ऐसे हजारों, करोड़ों, लाखों, 100, 200 अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के हम एक बड़ी से बड़ी चीज को बना सकते हैं। और ये जो चीज को हम, जिस किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं लैब के अंदर, आर्टिफिशियल या इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उसे हम उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है मोनोमर। मोनोमर जो होता है, द सिंपलेस्ट केमिकल मॉलिक्यूल इन अ चेन ऑफ पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा, 2, 3, 4, 5 जितने भी है ज्यादा। और मर का मतलब होता है यूनिट। तो पॉलीमर यानी ऐसी एक चेन जिसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स प्रेजेंट है। तो मोनोमर जो होता है वो उस एक लंबी चेन का एक छोटा सा यूनिट होता है, एक हिस्सा होता है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं। फिर आ गया नायलॉन। स्टूडेंट्स, नायलॉन की रस्सी, नायलॉन की लेस, नायलॉन के कपड़े, ये सब आपने बहुत अच्छे से देख रखे होंगे, आपके घर में भी होंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि नायलॉन जो है वो किस तरह का दिखता है। आप अपने घर में ये मटेरियल्स को देख लीजिए तो अच्छे से समझेंगे। नायलॉन जो होता है ये एक सुपीरियर सिंथेटिक फाइबर होता है। ये बनता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें क्रूड मिल से मिलते हैं, यानी कि जमीन में से मिलते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं। हमें गैस भी मिलती है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, यानी अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग पदार्थ यानी कि प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो उसमें से ही एक जो केमिकल होता है उससे बनता है नायलॉन। नायलॉन जो होता है ये सुपीरियर क्वालिटी यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। इसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है, जैसे कि कपड़े सुखाने की रस्सियां होती हैं आजकल की, वो नायलॉन की बनी होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वेट भी उस पर डालेंगे तो वो जल्दी से टूटेगी नहीं। अगर वो बारिश में है, धूप में लगी हुई है, ठंडी के मौसम में भी लगी हुई है, तो काफी टाइम तक वो जो है वो टूटेगी नहीं। तो ये क्या बताता है? एक अच्छी क्वालिटी बताता है। इसके बाद प्लास्टिक। प्लास्टिक के बिना आप सोचिए क्या लाइफ है। हर जगह पर हम लोग सब्जी लेने जाते हैं या घर में भी प्लास्टिक के बहुत सारे डब्बे होते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स में भी बहुत अलग अलग तरह का फर्क होता है स्टूडेंट्स, जो हम आज देखेंगे। प्लास्टिक क्या होता है? अ मटेरियल विच कैन बी इजिली मोल्डेड इन टू वेरियस फॉर्म्स। प्लास्टिक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम आसानी से किसी भी शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल ड्यू टू विच इट कैन बी मोल्डेड इन टू वेरियस फॉर्म्स। प्लास्टिक जो होता है उसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण ये जो प्लास्टिक है ये किसी भी शेप के अंदर ढल जाता है। फिर आ गया पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर जो होता है, पॉलीथीन और टेट्राफ्थेलेट
टेट्राथेलेट, ये जो है पथेलेट नहीं बोलना है, ये पी साइलेंट होता है, तो पॉलीइथीन और टेट्राथेलेट का जो है पॉलीमर होता है। पॉलीमर आपको पता ही चल गया कि जब बार बार रिपीटिंग यूनिट, यानी ये जो छोटा सा यूनिट है पॉलीथीन और टेट्राथेलेट, इसकी बार बार रिपीटिंग यूनिट हम लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलिएस्टर मिल जाएगा। अ प्लास्टिक मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेट्राथेलेट। अब ये जो पॉलीमराइजेशन होता है, तो स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर बनाने की प्रोसेस। क्या होता है पॉलीमर? पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी बहुत सारे छोटे 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 यूनिट्स को जोड़ के जो हम लंबा बना देते हैं, बहुत ही लंबी चेन बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। सीधा सा एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा है, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर के लिए बाथरूम में पाइप का कनेक्शन करवाना है तो आप थोड़ा सा पाइप लेंगे, अगर आपको फर्स्ट फ्लोर तक पाइप का कनेक्शन करवाना है तो आप पाइप की साइज बड़ी ले लेंगे, अगर आपको सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तो उस हिसाब से पाइप की साइज बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे यूनिट्स को हमने लंबी चेन में अरेंज कर दिया तो वो बड़ी हो जाएगी, उस सेम यूनिट्स को हम छोटी चेन में अरेंज कर देंगे तो वो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लेकिन बनेगी किससे, छोटे छोटे यूनिट से। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, वापस से हमने पॉलीमर को देखा है, यहाँ पे पॉलीमर आप समझ गए थे लेकिन मैंने फिर से अलग से डेफिनेशन लिखा है। पॉलीमर द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो छोटे छोटे मोनोमर यानी एक 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 यूनिट से जुड़कर इनकी कॉम्बिनेशन से बना है उसे हम पॉलीमर कहते हैं, मोनोमर्स इन अ स्ट्रेट और क्रॉस्ड चेन। अब स्टूडेंट स्ट्रेट और क्रॉस्ड चेन ये आपका शुरुआत हो जाएगा 10th स्टैंडर्ड से, तो ये जो होते हैं जैसे कि कार्बन है, देखिए कार्बन कार्बन आपस में मिल रहे हैं, ये कार्बन इस तरह से भी मिल सकता है, इस तरह से भी मिल सकता है, तो ये जो होती है स्ट्रेट चेन होती है या फिर क्रॉस्ड चेन भी हो सकती है। फिर आ गया पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को ही हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर्स अंडर सुटेबल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। अगर हम किसी से भी पॉलीमर बना रहे हैं तो वो आपस में जो यूनिट्स हैं वो ढंग से जुड़ेंगे या नहीं, उनके लिए क्या कंडीशन से कैसे केमिकल रिएक्शन होने चाहिए, कैसे टेम्परेचर होने चाहिए, ये सब भी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स पॉलीइथीन। जो पॉलीथीन जो मतलब हम लोग प्लास्टिक की थैली यूज करते हैं उसको हम लोग पॉलीथीन 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 कहते हैं, लेकिन असल में वो प्रोनाउंस होता है पॉलीइथीन। पॉली का मतलब हो गया मैनी, इथीन जो है वो एक मॉलिक्यूल है, तो जब बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पॉलीमर बनाते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा, तो उसे हम पॉलीइथीन कहते हैं। अ प्लास्टिक मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन गैस, इथीन जो है वो एक गैस के फॉर्म में होता है। इसके बाद आ गया रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। हम लोग आजकल मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं जो असली सिल्क की साड़ी होती है वो तो बहुत महंगी होती है, 5-5, 6-6 हज़ार से तो शायद शुरू होती है, और अगर हम लोग उसी का कॉपी देखें तो हमें 500-600 रुपए में भी आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ी मिल जाती है। दोनों में हमें ज़्यादा फर्क देखने पर तो समझ में नहीं आता, तो वैसी की वैसी चमक, वैसी की वैसी शाइन। आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, ओरिजिनल सिल्क जो होता है वो ककून को पाल कर फिर बाद में निकालना, मतलब ये बहुत काफ़ी कॉस्टली और लंबी प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हमने रेयॉन कहें या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहें, ये मार्केट में आना शुरू हो गया, लोगों को सिल्क जो है मतलब सिल्क के कपड़े पहनने की चाहत होती है तो फिर ये जो है हमने बना लिया। और रीजनरेटेड कॉटन फाइबर, एक इस तरीके से जनरेट किया गया कॉटन का फाइबर जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स। हम क्या कर रहे हैं, कॉटन के फाइबर के ऊपर कुछ केमिकल्स लगा रहे हैं ताकि वो इतना स्मूथ हो जाए, इतना सिल्की हो जाए कि हमें कैसा दिखे, बिल्कुल आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयॉन जैसा।
फिर आ जाते हैं टेफ्लॉन पे, स्टूडेंट्स इसको टफन भी बोलते हैं, टेफ्लॉन भी बोलते हैं। ये जो होता है नॉन कोरोसिव होता है, कोरोसिव यानी इसके जो ऊपर का लेयर है उसकी शाइन नहीं जाती, और ये नॉन स्टिक तवों में, नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर ये मटेरियल यूज होता है ताकि नॉन स्टिकी किसी भी चीज से चिपके नहीं। अ प्लास्टिक मटीरियल प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। स्टूडेंट्स टफन जो होता है वो पॉली टेट्रा, पॉली मतलब बहुत सारे, टेट्रा मतलब चार, फ्लोरोइथीन यानी चार फ्लोरोइथीन जो होते हैं वो मिलके, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके हमारा टेफ्लॉन बनाते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करके। इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर से ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है आप ध्यान से देख लीजिए, पूरा का पूरा ट्वेल्थ में रिपीट होने वाला है, बस वहां पे आपको इनके स्ट्रक्चर्स में मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मो का मतलब क्या होता है? तो थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। प्लास्टिक तो आपको पता ही है, थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी सिंथेटिक प्लास्टिक मटीरियल्स obtained by gentle heating and molding such that the molded materials can be reshaped by gentle heating। ये हो गए हमारे ऐसे materials जैसे कि toys हो गए, हम bathroom में जो भी plastic material use करते हैं जैसे bucket हो गया, mug हो गया, तो ये प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं अगर हम इन्हें थर्मो यानी हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये तुरंत से क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। अगर हम इन्हें फिर से कोई शेप देंगे तो तुरंत ये दूसरे शेप में तब्दील हो जाएंगे। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा शायद कभी कभी गलियों में जो है प्लास्टिक की बकेट रिपेयर करने वाले आते हैं, वेंडर्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, अगर प्लास्टिक की बकेट हमारी टूट गई है तो दूसरा उनके पास जो भी प्लास्टिक है उसको पिघला देंगे और वहां पर हमारी जो टूटी हुई बास्केट है, बकेट है, उसके ऊपर चिपका देंगे। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ठंडा होने के बाद में वो बकेट जो है वो फिर से रिपेयर हो जाएगी। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं जैसे ही हमें इन्हें हीट देते हैं ये वापस से क्या होते हैं, ठंडे होने पर शेप चेंज कर सकते हैं, हम रीअरेंज कर सकते हैं हम इनके शेप को। दूसरे होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मो का मतलब हो गया वापस से हीट, सेटिंग का मतलब एकदम से बिल्कुल सेट हो जाना, जैसे कि सीमेंट बिल्कुल सेट हो जाती है। स्टूडेंट्स अगर सीमेंट जो है एक बार हमने उसका प्लास्टर कर दिया 21 डेज के बाद में वो फिर आप उसको पिघलाओ कुछ भी करो वो कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो उसी तरह से ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक मटीरियल्स ऑब्टेन्ड बाय जेंटल हीटिंग एंड मोल्डिंग सच दैट मोल्डेड मटीरियल्स कैन नॉट बी रीशेप्ड बाय जेंटल हीटिंग। ये जो ऐसे मटीरियल होते हैं जो इनको हीट करके बनाया जाता है लेकिन एक बार बनाने के बाद में अगर ये टूट जाते हैं, और पहली बात तो ये आसानी से क्या होते हैं, ये पिघलते ही नहीं है, मेल्ट ही नहीं होते। इसका एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में समझ में आ जाएगा, हमारी कुकर के हैंडल, कुकर के जो हैंडल होते हैं वो ब्लैक ब्लैक कलर का पोर्शन वो प्लास्टिक का ही बना होता है। आप देखो ना कितनी देर हम आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट तक कुकर को अगर हम गर्म करते हैं तो भी वो हैंडल गर्म नहीं होता, हम आराम से उस हैंडल से कुकर को उठा लेते हैं, तो इतना टेम्परेचर देने के बावजूद भी वो प्लास्टिक पिघलता नहीं है। लेकिन अगर वो एक बार टूट गया, यानी उसको हाई टेम्परेचर चाहिए तब भी वो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर वो एक बार टूट गया तो हम उसे फिर से पिघला कर नया शेप नहीं दे सकते, तो ये फिर से रीशेप्ड हो नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इनको लिख लीजिए। चलो बच्चों अब देख लेते हैं हम कि कितने तरह के फाइबर्स होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर मतलब जिन्हें हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। जैसे कि अभी हमने देखा कि रेयन जो होता है वो हम लोग बनाते हैं सिंथेटिकली, जो बिल्कुल आर्टिफिशियल सिल्क जैसा दिखता है। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयन इज प्योर कॉटन या फिर वुड सेल्यूलोस। जो रॉ मटेरियल लगता है रेयन के फाइबर को बनाने के लिए वो या तो प्योर कॉटन होता है या फिर वुड सेल्यूलोस होता है। रेयन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर।
कभी कभी तो हम रेयन को रीजेनरेटेड फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन तो खुद एक फाइबर है, उसमें से हमने रेयन को बनाया यानी रीजेनरेट किया है। बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर, रेयन इज नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर बिकॉज इट्स रॉ मटीरियल इज अ नेचुरल फाइबर। फायर लिख दिया स्टूडेंट्स, नेचुरल फाइबर। तो जो रेयन होता है उसको हम प्योरली सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, नेचुरल फाइबर है। हाउएवर फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज इंक्लूडेड इनटू मैनमेड फाइबर। लेकिन जब भी हम मैनमेड फाइबर्स की बात करते हैं या सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो हम रेयन को उसमें इंक्लूड करते हैं। रेयन का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, रेयन जो होता है वो बिल्कुल उसी धागे की तरह होता है जिसको हम सुई के अंदर निडल के अंदर पिरो के और किसी भी चीज को सिलने लगते हैं। द फिलामेंट ऑफ रेयन कैन बी वोवन लाइक एनी अदर नेचुरल फाइबर्स, दे हैव अ फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क। ये जो रेयन होता है इसको जब हम छूते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम सिल्क को ही छू रहे हैं और ये दिखने में भी सिल्क जैसा ही होता है। अब जो है हम इसके यूजेस देख लेते हैं। रेयन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड वूल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स। रेयन जो होता है इसके जो धागे होते हैं ये हम लोग वूल के साथ में यानी ऊन के साथ में भी मिक्स करके बना सकते हैं और इसकी मदद से हम क्या बना लेते हैं, कारपेट बना लेते हैं। रेयन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विथ कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लॉथ। और रेयन को हम जब कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं और तो हम क्या बना सकते हैं, एक स्मूथ सिल्की कपड़ा बना सकते हैं जो किस काम आएगा, हमारे बेडशीट्स बनाने के काम आएगा। लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयन आर यूज्ड फॉर रीइंफोर्स्ड ऑटोमोबाइल टायर्स। और जो बड़े बड़े लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स के टायर बनाने में काम आते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स नायलॉन। नायलॉन जो होता है नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है, तो देख लेते हैं नायलॉन कैसा होता है। द नायलॉन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीअमाइड मॉलिक्यूल्स। हम देख रहे हैं कि नायलॉन जो है वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों को जुड़ के बनता है। किस यूनिट के टुकड़ों को जुड़ के बनता है, तो बनता है पॉलीअमाइड के मॉलिक्यूल से। द नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेसिस्टेंट। तो हमारे जो रेनकोट्स बनते हैं, जो हमारी वाटरप्रूफ जूतों के अंदर जो शू लेस होती है स्टूडेंट्स, तो ये सब किससे बनती है, नायलॉन से, क्योंकि ये इलास्टिक भी होते हैं, वाटर रेसिस्टेंट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। देख लेते हैं इसकी यूजेस। इट इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स फॉर क्लोथ्स एंड पैराशूट्स। तो जो नायलॉन होता है वो क्लोथ्स बनाने के और पैराशूट्स बनाने के काम आता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टॉकिंग्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड आप देख रहे हैं स्टॉकिंग्स, ये जो स्टॉकिंग्स होता है ये फीमेल्स यानी कि लेडीज जो होती हैं, औरतें जो होती हैं वो पहनती हैं अपने पैरों में, और ये बहुत ही स्ट्रेची मटेरियल होता है और क्योंकि इसमें बहुत ही हाई इलास्टिसिटी होती है, तो मतलब ये अलग अलग साइज के आते हैं। कोई भी लेडी जो है अलग अलग साइज के इसको पहन लेगी तो भी ये खूब अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। और स्टूडेंट्स ये जो हमारा नायलॉन होता है ये रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जो हम रोप बनाते हैं उसको बनाने के काम आता है, फिशिंग नेट को बनाने के लिए काम आता है, ताकि मछली अगर अंदर फंस जाए और इधर उधर अगर वो झपट्टे मार रही है तो क्या हो जाए, जो हमारी नेट है वो ढंग से स्ट्रेच हो सके। इट इज यूज फॉर मेकिंग टूथब्रशेस कॉम्ब्स हुक्स एक्सेट्रा। ये हमारे टूथब्रश बनाने के काम आता है। आपने देखा ना टूथब्रश कितना फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, बिल्कुल कड़क नहीं होता है। कॉम्ब बनाने के काम आता है, कंघी हुक वगैरह बनाने के काम आता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्ट्रिंग्स फॉर टेनिस रैकेट्स। ये जो होता है आपने टेनिस रैकेट तो देखा ही होगा, खूब खेला होगा, तो उसके स्ट्रिंग्स बनाने के काम आता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन सच एज वॉशर्स
पुलीज, और ये मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के भी काम आता है, जैसे कि वॉशर हो गया और पुलीज हो गए। अब आते हैं स्टूडेंट हम पॉलिस्टर पे। पॉलिस्टर क्या होता है? ईस्टर्स आर द कंपाउंड्स फॉर्मड व्हेन अल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज एसिटिक एसिड, थैलिक एसिड। स्टूडेंट्स जैसे थैलिक एसिड कहते हैं, पी साइलेंट होता है थैलिक एसिड। तो एस्टर जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं, वो तब बनते हैं जब अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, जैसे कि एसिटिक एसिड एंड थैलिक एसिड। और इनकी जो स्मेल होती है बहुत ही मीठी मीठी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। द एस्टर मॉलिक्यूल्स कैन बी पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म पॉलीएस्टर। और एस्टर के मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं? पॉलीमराइज कर सकते हैं, यानी खूब सारे छोटे 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 एस्टर बना के हम पॉलीएस्टर बना सकते हैं। फिर आते हैं हम स्टूडेंट्स टेरिलिन पे। टेरिलिन कहो या टेरिन कहो या डेक्रॉन कहो, दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ थैलिक एसिड एंड इथीन ग्लाइकोल। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पॉलीमराइजिंग हम प्रोसेस करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ते हैं, किसके मॉलिक्यूल्स को? थैलिक एसिड्स को और इथीन ग्लाइकोल को। टेरिलिन फिलामेंट्स आर सिमिलर बट सुपीरियर इन प्रॉपर्टीज देन नायलॉन। टेरिलिन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? फिलामेंट यानी पतले पतले होते हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा सुपीरियर यानी और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं नायलॉन से। चाइनीज दोरी सुनी है आपने? चाइनीज धागा जो हम यूज करते हैं उत्तरायण वगैरह पे, तो वो देखा है उससे अगर हम उसको हाथ में ले लें जोर से खींच दे तो उंगली कट जाती है, हाथ कट जाता है। तो ये टेरिलिन या इसी मटेरियल के बने होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। इसके यूजेस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर मेकिंग शर्ट्स, ट्राउजर्स, साड़ीज और दूसरे ड्रेस मटेरियल्स। द फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द ट्रेड नेम्स ऑफ पॉलीकॉट और टेरिकोट। और ये जो होते हैं टेरिलिन, टेरिन या डेक्रॉन के जो भी कपड़े होते हैं, ये इस नाम से बेचे जाते हैं कि ये पॉलीकॉट है या फिर टेरिकॉट है, पॉलीवुल एक्सेट्रा। पॉलीकॉट और टेरिकॉट जो होता है वो एक्चुअली बना होता है कॉटन एंड पॉलिस्टर के मिक्सचर से। उसी तरह से पॉलीवुल और टेरिवुल जिसे हम कहते हैं वो बना होता है वूल एंड पॉलिस्टर के मिक्सचर से। अब स्टूडेंट्स टेरिलिन और किस काम आता है? ये काम आता है मेकिंग सेल्स फॉर सेलिंग बोर्ड। जो सेलिंग बोर्ड होते हैं हमारे जहाजों में और इनमें जो सेलिंग बोर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, ताकि वो क्या करें, इतने मजबूत होते हैं, वो आसानी से सेल कर सकें, मतलब उन हवा का कितना भी प्रेशर लग जाए वो टूटे नहीं। और फायर हॉसेस एंड कन्वेयर बेल्ट, यानी कन्वेयर बेल्ट यानी बड़े बड़े फैक्ट्रीज में आपने मशीन्स देखे होते हैं कि जिसपे बेल्ट जो है वो लगी जा रही है, मतलब चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, जैसे कि एस्केलेटर हम मॉल्स में जाते हैं तो वो कंटिन्यूअसली बेल्ट जो है वो चलती जाती है। तो कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए भी हमारे टेरिलिन या फिर डेक्रॉन काम आते हैं, तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों अब आगे देख लेते हैं कि पॉलीथीन या फिर टेट्रा पॉलीथीन टेट्रा फैलेट जो होता है ये पीईटी, ये क्या होता है, कैसे बना होता है? तो ये जो होता है पॉली यानी बहुत सारे इथीन एंड टेट्रा फैलेट से बना हुआ होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा यूज होता है सिंथेटिक क्लोथ्स बनाने में। ये जो क्लोथ्स होते हैं ये परमानेंट, इनकी क्रीज जो होती है परमानेंट रहती है, यानी बार बार हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती और आसानी से ये वॉश हो जाते हैं। यूज टू मेक कंटेनर्स फॉर पैकिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो इससे इस मटेरियल से जो हमारा पॉलीथीन टेट्रा फैलेट है इससे हम क्या बनाते हैं? फूड के कंटेनर्स यानी पैकिंग के लिए, जिसमें हम खाना रखते हैं, और साथ के साथ क्या बनाते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स के पैकेट्स बनाते हैं। यूज इन मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स, यूज इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स। तो और इससे हम क्या बनाते हैं? ऐसे मैग्नेटिक टेप्स बनाते हैं जो ऑडियो या फिर हमारे रिकॉर्डर्स में यूज होते हैं, कैसेट्स में यूज होते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स एक्रायलिक फाइबर्स। एक्रायलिक फाइबर जो होते हैं वो हमें मिलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करवाने से,
दे आर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्राइलोनाइट्रेट। एक्राइलोनाइट्रेट जो मोनोमर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे यूनिट होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इकट्ठा करके यानी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करके लॉन्ग चेन बना के हमें ये एक्राइलिक फाइबर्स मिलते हैं। दीज फाइबर्स आर वेरी लाइट एंड सॉफ्ट लाइक वूल। ये जो इसके फाइबर्स होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं और एकदम वूल की तरह मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दे आर रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, और इनके ऊपर वेदर का यानी मौसम का कोई भी असर नहीं पड़ता है, ये मौसम को भी झेल लेते हैं, इतनी इनमें ताकत होती है। इसकी यूजेस देख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये यार्न बनाने के काम आते हैं, हैंडमेड स्वेटर्स यानी लंबे लंबे हम इनसे धागे बना सकते हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा ना, हाथ से बुनाई करके हम जो स्वेटर बनाते हैं तो वो बन सकते हैं। फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स विच आर वेरी लाइट एंड एज वॉर्म एज वूलन ब्लैंकेट्स, और इससे हम ऐसे ब्लैंकेट्स बना लेते हैं, शॉल्स बना लेते हैं जो कि बहुत हल्के होते हैं लेकिन बिल्कुल वूलन क्लोथ्स की तरह ही गर्म होते हैं। आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर वेरी चीप एज कम्पेयर टू द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम वूल। और एक्राइल्स मतलब एक्राइलिक के फाइबर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें टिन से, नेचुरल वूल फाइबर से। अब इसकी बात है स्टूडेंट्स कोरोसील। कोरोसील जो है इट इज अ ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से बनता है स्टूडेंट्स ये पॉलीमर है। बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स जो होते हैं विनाइल क्लोराइड के हम लगाते जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, कोरोसील मिलता है। इसकी यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर प्रूफ होता है, एयर प्रूफ होता है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग यानी परत चढ़ा देते हैं सिल्क के ऊपर, रेयन के ऊपर, कॉटन के ऊपर, ताकि क्या हो जाए जो हमारे कॉटन है, सिल्क है, ये सब क्या हो धीरे धीरे खराब ना हो जाए, बिल्कुल क्या रहे अच्छे रहे, नए रहे, चमकदार रहे। वाटर प्रूफ फैब्रिक्स भी हम बनाते हैं ताकि हम रेनी डेज में यानी रेनी सीजन्स में या बाथरूम कर्टेन्स में, कर्टेन्स यानी पर्दे में हम ये यूज कर सकें। स्टूडेंट्स इतनी सारी बातें हो गई, हमने देख लिया कि आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बड़े काम आते हैं, पैराशूट बनाने के काम आते हैं, रेनकोट बनाने के काम आते हैं, बड़े हल्के होते हैं लेकिन गर्मी वुलन क्लोथ के जैसे ही देते हैं, सस्ते भी होते हैं, तो इतने सारे फायदे देख लिए हमने। फिर हम इनके एडवांटेज भी समझ लेते हैं कि कितने हमारे लिए फायदेकारक है, और फिर इनके नुकसान भी देख लेते हैं कि अगर हर जगह आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स ही हमें इतना फायदा पहुंचाते हैं तो फिर हम लोग कॉटन के कपड़े पहनने की जिद क्यों करते हैं या क्यों चाहते हैं कॉटन के कपड़े पहनना, डॉक्टर्स भी क्यों कहते हैं कि हमेशा कॉटन के कपड़े पहनना कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। देखिए दे हैव हाई लस्टर एंड डू नॉट बिकम येलो विथ एज। ये बड़े लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन, बड़े चमकीले होते हैं, समय के साथ साथ ये पीले नहीं होते यानी मैले नहीं लगते, पुराने नहीं लगते। डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, और ये धोने के बाद में सिकुड़ नहीं जाते यानी छोटे नहीं हो जाते। दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, हमें इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता, इस्त्री नहीं करना पड़ता, और मतलब ये आसानी से बड़ी जल्दी से इनका काम हो जाता है, या तो फिर इस्त्री भी करनी होती तो फटाक से फेरी इस्त्री और काम खत्म। दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, और बहुत लंबे टाइम तक ये चलते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, और ये बहुत आसानी से क्लीन भी हो जाते हैं, धुल जाते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर, और ये बहुत ही कम मतलब महंगे होते हैं यानी कि सस्ते होते हैं कंपेयर जब हम करें इनको नेचुरल फाइबर से, काफी सस्ते होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस देख लें, इतनी देर से हम यूजर्स देख रहे हैं, एडवांटेज देख रहे हैं, तो अब हम इनके डिसएडवांटेज देख लें। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो दे इजिली मेल्ट और बर्न, सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न्स व्हाइल वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स। अब स्टूडेंट्स सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं उनकी हमने अच्छी बातें तो देख ली, अब उनकी बुरी बातें क्या है, उनसे क्या नुकसान है हमें। सबसे पहला नुकसान हमको ये है
कि जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो अगर हम किचन में सिंथेटिक कपड़े पहनकर खाना पका रहे हैं या ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या आसपास कहीं पे कुछ आग जैसी लगी हुई, तो हम जल्दी से हमारे कपड़े क्या कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे। तो हमेशा इसका डर लगा रहता है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट सो दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर एंड रेनी सीजन। वी यूज कॉटन इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और गर्मियों के मौसम में, बारिश के मौसम में ये जो है बिल्कुल भी पसीना हमारा एब्जॉर्ब नहीं करते, नहीं सोखते। अब पसीना नहीं सोखेंगे गर्मी में, सारा दिन ये जो बॉडी पे चिपके रहेंगे, पसीना भी नहीं सोखेंगे, कितनी गर्मी लगेगी। तो इसीलिए हम इनको समर और रेनी सीजन में यूज नहीं करते। इसकी जगह पे हम क्या यूज करना पसंद करते हैं, कॉटन क्लोथ्स। दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस कॉज लॉट ऑफ पॉल्यूशन। ये जो है बायोडिग्रेडेबल यानी समय के साथ साथ मिट्टी में मिक्स नहीं होते, इन ये डिकम्पोज नहीं होते, तो ये हमेशा पड़े रहते हैं जमीन के ऊपर और क्या कॉज करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर। ये जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप ब्लैंकेट में सर्दियों के समय में अपनी रजाई जो है ओढ़ के सोते हैं और उसके अंदर अपने पंजों से नोचते हैं तो स्पार्क होता है, यानी कुछ चमक होती है। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और इस इलेक्ट्रिकली चार्ज के कारण जो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये घूम रहे होते हैं उस ब्लैंकेट के अंदर। तो वो जो चार्ज होते हैं वो कुछ लोगों के स्किन के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं और उनको स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो ये हो गए इनके नुकसान। तो अब आप जो भी कपड़े खरीदें तो फायदे और नुकसान दोनों देखकर ही खरीदें। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोगों ने सिंथेटिक फैब्रिक्स तक कवर किया है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग प्लास्टिक, प्लास्टिक के अलग अलग टाइप्स, उनके यूजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब कवर करेंगे। ठीक है।